और भी नंबर की आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं गांधी जयंती, क्योंकि इस दिन हमारे देश के राष्ट्रपिता नेशनल फादर ऑफ इंडिया यानी महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। और महात्मा गांधी के डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1879 यानी 1869 है, ठीक है। इसने इसका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी और इसके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी और माताजी का नाम था मुद्राबाई और इसकी वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी। 1891 में महात्मा गांधी ने अपनी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट की थी और 1893 में ये क्या बने थे, एक बैरिस्टर बने थे। बैरिस्टर और लॉ में बहुत डिफरेंस है बेटा। अगर कोई आदमी वकालत कर लेता है तो उसके लिए अगर बैरिस्टर बनना है तो उसे एक लाइसेंस मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर वो मिल जाता है तब जाकर हम उसे बैरिस्टर कहते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, 1893 में महात्मा गांधी को जाना पड़ा साउथ अफ्रीका, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे हिंदुस्तान के जो लोग थे उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे वहाँ की कंपनियों के द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा, यानी जिससे कंपनी ने वहाँ पर अपना बोलबाला बना रखा था वो उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे। और एक मुस्लिम आदमी था जिसकी पैरवी के लिए महात्मा गांधी कहाँ गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे, क्योंकि महात्मा गांधी कौन थे, एक वकील थे, लॉयर थे। लेकिन जब वहाँ पर उसने केस लड़ा और केस को वहाँ जीता और 1893 में वापस कहाँ हुए, 1893 में तो गए थे लेकिन 1915 में वापस कहाँ आए, हिंदुस्तान वापस आए 1915 में। और सबसे पहले कहाँ आए, गुजरात में, गुजरात में जो हमारा अहमदाबाद है, अहमदाबाद सिटी में आए थे। और एक आदमी है जिसके किराए के मकान रहे थे और अपना वहाँ उसने आश्रम भी खोला था, लेकिन वहाँ बहुत बड़ी एक महामारी फैली हुई थी प्लेग के नाम से, इसलिए महात्मा गांधी को अपना आश्रम वहाँ से हटाना पड़ा और साबरमती के किनारे पर उसको ले जाया गया, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या हुआ, 1915 में, 1916 में बिहार में एक जगह है चंपारण, चंपारण में वहाँ के जो किसान थे अपनी खेती करते थे नीम की खेती, लेकिन जो वहाँ के जो जमींदार बड़े बड़े जो लोग उद्योगपति थे उनको पूरा का पूरा वो पैसा नहीं देते थे, इसलिए एक आदमी महात्मा गांधी के पीछे लगा और 1916 में महात्मा जीतने के बाद फिर 1917 में क्या हुआ, 1918 में वापिस फिर कहाँ है, गुजरात आए। और गुजरात में यहाँ की जो कंपनियां थी अहमदाबाद में, क्योंकि यहाँ पर महामारी फैली हुई थी और कंपनियों ने पहले ऐलान कर रखा था कि हम अपने वर्कर को कितना परसेंट देंगे, 70% बोनस देंगे। लेकिन जैसे ही वो महामारी खत्म हुई, महामारी कहते हैं एक बहुत बड़ी बीमारी को जो पूरे उसमें अपने एरिया में फैल जाती है उसे महामारी कहते हैं, ठीक है। लेकिन 70% जो उसने वादा किया था उसे नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से वहाँ के वर्करों ने हड़ताल कर दिया और महात्मा गांधी जब आए तो उनके साथ उनकी फाइट लगी और महात्मा गांधी ने ट्रक पर बैठ कर एक कविता निकाला और वहाँ के वर्कर को 35% जो बोनस था वो दिलाया था। ये सारे काम किसने किए थे, महात्मा गांधी ने। और कुछ लोगों ने महात्मा गांधी की मुखालिफत भी की थी। महात्मा गांधी जो थे एक बहुत ही बड़े एक लॉयर थे और सोशलिस्ट थे और एक बहुत ही बड़े एक राजनीतिज्ञ थे। इसने अपना जो राजनीतिक गुरु था गोपाल कृष्ण को माना था और महात्मा गांधी को बहुत सारे लोगों ने अलग अलग उपाधि दी थी, जैसे एक आदमी था खान अब्दुल गफ्फार खान, उसने इसे मलंग बाबा के नाम से पुकारा था। और किसी ने राजनीति का बच्चा यानी मैग्निफिसेंट एकोरस थी जिसने जो राजनीति का बच्चा कहा था। और इसके अलावा महात्मा का जो लकब है वो दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, अलग अलग लोगों ने इसे अलग अलग नाम से पुकारा था, यानी किसी ने कुछ कहा था किसी ने कुछ कहा था इसके तारीफ में। लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस ने इसे किसका नाम दिया था, राष्ट्रपिता का नाम दिया था। जब सुभाष चंद्र बोस कहाँ थे, अपने जापान से लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो उसने उस लोग इसको क्या कहा था, वहीं से कहा था महात्मा गांधी कौन है, एक राष्ट्रपिता है, इंडिया के नेशनल फादर है। हालांकि कुछ लोग महात्मा गांधी से आज भी चिढ़ते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी तो वो शख्सियत है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसने जितनी भी लड़ाई लड़ी किसी में भी हिंसा का उपयोग नहीं किया, किसी में भी हथियार का उपयोग नहीं किया था, सब जिससे लड़ी थी अहिंसा के पथ पर चलते हुए। और यही चीज हमें कहाँ से मिलती है, इस्लाम मजहब से मिलती है, हमारी कुरान शरीफ से मिलती है, क्योंकि इस्लाम भी हमें क्या सिखाता बेटा, यही कि हमें अहिंसा करना है, सत्य बोलना है, झूठ का साथ कभी नहीं देना है, धोखाधड़ी नहीं करनी है। बताइए एक महात्मा गांधी से भी हमें सीखने को मिल रहा है,
और एक चीज हमें आज से 1445 साल पहले हमारी होली बुक कुरान शरीफ ने हमें बताया था, हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें सीखने को मिला है क्यों। और एक महात्मा गांधी जो 1869 में पैदा हुए थे, उन्होंने इन सारी चीजें थ्योरी को फॉलो किया, तब जाकर हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी। ये थे एक महात्मा गांधी जिनके शख्सियत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी झूठ नहीं बोलना और कभी हिंसा नहीं करना, हथियार का उपयोग नहीं करना। एक कांड हुआ था चोरा चोरी का, उसमें क्या हुआ, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने एक ट्रेन को लूट लिया था। जैसे ट्रेन को लूटा गया तो लूटने की वजह से एक आदमी को ट्रेन में गोली लग गई और वो आदमी जो एक मुस्लिम था मर गया। उसके बाद अंग्रेज, पहले हमारे देश पर किसका अधिकार था, अंग्रेजों का, उन्होंने क्या किया, उन लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। लेकिन महात्मा गांधी जो इसको लीड कर रहे थे उसने तुरंत मना कर दिया, मैं हिंसा का साथ नहीं देता। जब महात्मा गांधी ने यह बात बोली, मैं हिंसा का साथ नहीं देता, मैं किसी हथियार का उपयोग नहीं करूंगा, तो उसी वक्त किसी भी एक भी बंदे को गिरफ्तार नहीं किया गया था। अगर मान लो उस वक्त हथियार उठा लेते तो अंग्रेज अफसर तुरंत क्या कर रहे थे, बंदूक उठा लेते और पता नहीं कितने लोग मारे जाते। इस तरीके से महात्मा गांधी ने बताया था, अहिंसा का साथ देते हो, सच का साथ देते हो, ये थे महात्मा गांधी। तो बेटा आज 2 अक्टूबर है और महात्मा गांधी जी की जयंती है, वैसे आज संडे भी है, स्कूलों की छुट्टी भी होती है, लेकिन हम सिर्फ जो सिर्फ यहाँ जमा हुए हैं ओनली महात्मा गांधी जी की जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए जमा हुए हैं, महात्मा गांधी की तारीफ करने के लिए जमा हुए हैं और उसके लाइफ को पढ़ने के लिए जमा हुए हैं। उसकी लाइफ को, उसकी जिंदगी को पढ़ने से हमें क्या फायदा होगा, हम कैसे अपनी जिंदगी को संतुलन बना सकते हैं, हम किस तरीके से अपने आप को एक बेहतर महात्मा गांधी की तरह एक अच्छा और आदमी अपने आप को साबित कर सकते हैं समाज के लिए, ये महात्मा गांधी से हमें बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए। ठीक है बेटा, तो 2 अक्टूबर है, आप सब लोग याद रखना 2 अक्टूबर को क्या किया जाता है, किसकी जयंती सेलिब्रेट की जाती है, गांधी जयंती। गांधी कौन था, हमारे देश का राष्ट्रीय पिता, कौन था, राष्ट्रीय पिता, कौन था, राष्ट्रीय पिता। ठीक है, समझ आया सबको। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को, और महात्मा गांधी जी की डेथ कब हुई थी, 30 नवंबर 1948 को, मतलब 30 नवंबर 1948 को, दिल्ली में, नई दिल्ली की बात है, वहां पर जब असेंबली मीटिंग थी, प्रार्थना कर रहे थे, तो एक नाथुराम गोडसे नाम के एक व्यक्ति था, उसने महात्मा गांधी जी को गोली मार दी थी। रीजन जानते हो क्या था, क्योंकि महात्मा गांधी विश्वास रखते थे एकता में, यूनिटी में, वो सबको एक साथ जोड़ना चाहते थे, सब बच्चों को, सब लोगों को, चाहे हिंदू को, मुसलमान हो, सिख को, लेकिन वो लोग इसके खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि महात्मा गांधी ऐसा करें, मुस्लिम भी यहाँ रहे। इस वजह से उसकी खैर अपना अपना मत होता है, उसे शायद पसंद नहीं आया होगा ये, उसने उसको गोली मार दी। तो हम तो हिंदुस्तान का जो सबसे पहला जो आतंकवादी है, आप लोग जानते हो कौन है, याद रखना, हिंदुस्तान का जो सबसे पहला आतंकवादी है वो नाथुराम गोडसे ही है, और नाथुराम गोडसे और सावरकर की औलाद ही इस देश का सबसे पहला आतंकवादी है। ठीक है, थैंक्स टू ऑल, आप लोग सब ध्यान रखना, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट की जाती है, तो क्लैपिंग।